तो सबसे पहले ट्यूबवेल चला लेते हैं। और ये एक बोरा जो है ना ये खाद का है। जनाब काशी भाई आ गए हैं, इस गंदम को पहला पानी लग चुका, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। हीटर को हम फिट फुट कर रहे हैं, तो पट्टे की सेटिंग कर रहे हैं। पट्टे को अच्छे तरीके से जनाब कस लेते हैं। लगा रहा है और चल गया है। ये देखें जी, गंदम को पानी लगा दिया है। गंदम थी उसको आज पहला पानी लगा दिया। हमने तकरीबन 9 बजे ट्यूबवेल चलाया था। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसनैन आफ्ताब ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम अपनी ज़मीन में मौजूद हैं और आज हम ट्यूबवेल चलाने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को भी दिखा दिया जाए हमारा झटका माहौल जो है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो ट्यूबवेल चलाएंगे और उसके बाद हमारे पास एक जो बोरा है वो DAP खाद का है, और आज हमने एक एकड़ गंदम को पानी लगाना है और उसके बाद 2 कनाल शिताले को भी पानी लगाना है। तो सबसे पहले ट्यूबवेल चला लेते हैं और उसके बाद खाद भी डालेंगे और पानी भी लगाएंगे और आप दोस्तों के साथ गपशप भी करेंगे। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल को क्लिक कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं नई पोस्ट करूंगा तो सबसे पहले आप दोस्तों के पास पहुंच जाएगी। तो आइए पहले ट्यूबवेल चला लेते हैं। ये एक बोरा जो है ना ये खाद का है, ये 1 एकड़ को डालेंगे और उसके साथ ये जो है थोड़ा सा गंदम का बीज लेके आए हैं, जो खाली जगह है वहाँ पे पानी लगाने के बाद इस गंदम के बीज को वहाँ पे डालेंगे। ये हमारा जो है हुंडा 125 शहजादी गाड़ी वो खड़ी हुई है और इस वक्त हम ट्यूबवेल की तरफ जा रहे हैं। ये जनाब काशी भाई आ गए हैं, ये हमें ट्यूबवेल चला के दे गए। ये मास्टर है, ये हमारा इस इलाके का मास्टर है। इस गंदम को पहला पानी लग चुका, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। और ये जो है ये हमारा शीताला है 2 कनाल, इसको भी आज पानी लगाना है। जी हाँ, तो ट्यूबवेल को इस वक्त हमने स्टार्ट करना है, तो पीटर को हम फिट फुट कर रहे हैं, तो उसका तेल तूल उसके कोई नट नुट ढीले ढुल्ले हैं क्योंकि ये पीटर है ही इस तरह का, तो उसको सेट करके तो फिर इसको जनाब हम गेड़ा देंगे और ये इंशाल्लाह चल जाएगा। तो पट्टे की सेटिंग कर रहे हैं। पट्टे को अच्छे तरीके से जनाब कस लेते हैं। ले जी, 3 दोस्त हम जो है ना इसको चलाने लगे हैं, तो अल्लाह खैर करे जनाब पट्टे को जनाब ले इमरान खींच रहा है, गेड़ा लगा रहा है और चल गया है। अब इसका पानी निकालने के लिए ये जो पट्टा है जिस पुली पे चल रहा है ना, इस पुली से दूसरी साइड पे करके और इस वाली पुली को रोक के यकदम हम इस पे पट्टा छोड़ेंगे तो ये जो पानी है वो आ जाएगा। और काशी भाई वही काम कर रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त नाल में पानी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उधर से स्टॉप करके इसको छोड़ेगा तो पानी जो है इंशाल्लाह वो आ जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही पानी आता है। और ये देखें आपके सामने पानी जो है वो आ गया है, पहले गंदा पानी निकला है, अब बिल्कुल पानी जो है साफ़ हो गया है। पहले रेस ज़्यादा थी तो इस वक्त इसकी रेस की सेटिंग कर रहे हैं। हम इस वक्त बोरे से सोना यूरिया खाद को कपड़े में डाल रहे हैं और इस कपड़े को दोनों साइडों से बांध के हम जो है ज़मीन में गंदम को डालेंगे।
इस तरीके से जनाब बाजू इसमें डाल लेना है, एक हाथ से ये पकड़ लेनी, दरमियान में खाद है और इस खाद का छट्टा लगाना है। आइए छट्टा लगाते हैं। ये देखें जी, गंदम को पानी लगा दिया है, तो अब हम जो है ये आगे जो पत्ते हैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं ताकि पानी स्पीड से जाए। मेरी बाइक साइड पे आप देख सकते हैं कि इसको, इस गंदम को पहला पानी लगाया है, कोर गंदम थी उसको आज पहला पानी लगा दिया है। तो अभी आप देख लें और इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद आपको ये दिखाऊँगा। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल पतली है, लेकिन पानी लगाने के बाद ये बूटा मारेगी और फिर आपको इसका विज़िट करवाऊंगा। पहले उस टोटे को पानी लगाया हुआ है और फिर इस टोटे को लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं खाल से पानी जो है वो आ रहा है। हमने तकरीबन 9 बजे ट्यूबवेल चलाया था, तो अभी 11 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, तो डीज़ल जो है वो कम हो गया होगा, तो और जाके डीज़ल जो है वो डालते हैं कैन में, क्योंकि ट्यूबवेल जो है रेगुलर चलता रहे। अभी 2 कनाल मुकम्मल हो चुकी हैं, 2 कनाल को लगा दिया है पानी, तो अभी 1 एकड़ पूरा करना है यार। ये जनाब अरुण साहब हैं, तो ये भी फुल ज़िम्मेदारी का काम कर रहा है। अभी इसके हाथ में कई है और ये टोक जो है ना वो बंद करने लगा है। बंद कर दो अरुण। पानी तकरीबन हमने लगा दिया है, 1 एकड़ 2 कनाल हमने आज जो पानी है उसको लगा दिया। 1 एकड़ गंदम थी और 2 कनाल शिताला था, जो कि आप जो देख रहे हैं। शिताले में हमने ये मूलियाँ और गोंगलू का बीज जो है वो लगाया हुआ था, तो भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो यार एक मूली खा लेते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।